तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइस, लास्ट टाइम हमने कनौजला के इस पोर्ट्रेट की आउटलाइन की थी, तो इस बार पार्ट में हम इसमें करेंगे शेडिंग। तो शेडिंग में यहाँ पर ग्रेफाइट पेंसिल्स के साथ ही करूँगा। हाँ, मैंने चारकोल पेंसिल भी लिए, बट देखेंगे आगे जाकर हम इसका यूज़ करेंगे या फिर नहीं। तो वैसे मैं ज़्यादा यहाँ पर ग्रेफाइट का यूज़ करूँगा। तो देखते कैसे बनती है हमारी ड्राइंग, कैसे करते हैं हम शेडिंग, स्टेप बाय स्टेप जो भी मेरा ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले यहाँ पर हम आउटलाइन को अरेंज करेंगे 70-80%, जैसे कि हमारी लाइंस शेडिंग में दिखेंगी नहीं एंड स्मूथ शेडिंग होगी हमारी पोर्ट्रेट में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 2B पेंसिल के साथ यहाँ पर शेडिंग को देना स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे जैसे जितना जितना डार्क पार्ट होता जाएंगे उसी हिसाब से मैं ग्रेड्स का यूज़ करूँगा। 4B, 5B, 6B, 8B, जितना मुझे डार्क चाहिए होगा अपनी रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं ग्रेड्स का यूज़ करूँगा। स्मूथ शेडिंग के लिए यहाँ पर हमें लेयरिंग का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हम अगर डायरेक्टली डार्क शीट का यूज़ करेंगे तो उसमें ना पैचेस आने लगेंगे शेडिंग में, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे एंड हमारा पोर्ट्रेट इतना खूबसूरत भी नहीं बनेगा एंड रियलिस्टिक भी नहीं बनेगा हमारा पोर्ट्रेट, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अभी फर्स्ट लेयर में मैं यहाँ पर 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादा डार्क करने के लिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा बार पेंसिल को चला रहा हूँ, ज़्यादा बार खींच रहा हूँ पेंसिल को, तो जिससे ज़्यादा डार्क में शेडिंग मिल रही है एंड बाद में हम इसको ब्लेंड करेंगे एंड जितना हमें ग्रेड जितना हमें डार्क चाहिए होगा उस हिसाब से हम यहाँ पर ग्रेड्स का यूज़ करेंगे। आइज़ में मैंने सबसे पहले 2B पेंसिल का यूज़ किया था। अब यहाँ पर नोज फेस के बाकी के पार्ट में यहाँ पर मैं सबसे पहले HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा लाइट होती है, बिकॉज हमारे फेस में एक साइड बिल्कुल ज़्यादा डार्क है शेडो से, एक साइड बिल्कुल ज़्यादा हाईलाइट्स है, तो उसी हिसाब से हमें शेडिंग का खास ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पर ज़्यादा डार्क है वहाँ पर मैं लेयरिंग का यूज़ कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना कैसे कर रहा हूँ मैं एंड वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी लिप्स मुस्टैचेस एंड बियर्ड में मैं यहाँ पर 2B पेंसिल का यूज़ करूँ। यहाँ पर मैं स्ट्रोक्स को लगा रहा हूँ जो भी मुझे रेफरेंस पिक्चर में दिखाई दे रही है, जो कि मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, तो उनको बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करना है एंड जिस डायरेक्शन में हमारे रेफरेंस पिक्चर में स्ट्रोक्स है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हमें स्ट्रोक्स को लगाना है। एंड आप चाहे तो यहाँ पर पहले शेडिंग भी कर सकते हैं, बट हाँ, मैं यहाँ पर स्ट्रोक्स को लगा रहा हूँ जिससे कि हमारे बियर्ड बिल्कुल रियलिस्टिक लगेंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल एक एक बाल को ध्यान से ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, हमको बस इतना ऑब्जर्व करना है कि कौन से पार्ट में किस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स हैं एंड कौन से पार्ट में ज़्यादा लाइट स्ट्रोक्स हैं, कौन से पार्ट में ज़्यादा डार्क स्ट्रोक्स हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर हमें लगाने स्ट्रोक्स को हमारे स्केच में। सेम ऐसे मैं हेयर्स में भी करूँगा। यहाँ पर मैं 2B HB पेंसिल जो भी हमारी लाइट शेड्स हैं शेड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेंसिल का यूज़ करूँगा एंड स्ट्रोक्स को लगाऊंगा। तो फेस के पार्ट को ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर मैं सॉफ्ट ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो मेकअप ब्रश या फिर कोई भी ब्लेंडिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, बट हाँ, मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा स्मूथ शेडिंग होती है। ब्लेंडिंग में मैं यहाँ पर ब्रश का यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से हल्के हाथ से ब्लेंडिंग करनी है, हल्के हाथ से आपको ब्रश को चलाना है। अभी इसमें और ज़्यादा डार्क को देने के लिए यहाँ पर मैं 5B या फिर 6B पेंसिल का यूज़ करूँगा। जितना मुझे डार्क चाहिए होगा उस हिसाब से मैं यहाँ पर ग्रेड्स का यूज़ करूँगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख लेना आप। सेम वैसे जैसे मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया था जहाँ पर ज़्यादा डार्क है या फिर स्ट्रोक्स लगाने हैं, सेम वैसे यहाँ पर मैं डार्क ग्रेड्स के साथ शेडिंग को दूंगा। डार्क ग्रेड के साथ भी यहाँ पर अच्छे से शेडिंग को करने के बाद मैं ब्लेंड कर दूंगा ब्रश के साथ ही बिल्कुल अच्छे से स्मूथली। अभी यहाँ पर मेन पार्ट आते हैं हमारे हाइलाइट्स का, तो पेंसिल इरेजर का यूज़ करूँगा मैं हाइलाइट्स को देने के लिए। छोटे छोटे पार्ट में यहाँ पर हाइलाइट्स को देने के लिए हमें बार बार पेंसिल को रेज करना पड़ेगा एंड हाँ, जिससे बहुत अच्छे से हाइलाइट्स हमारी आएंगी हमारे रेफरेंस पिक्चर में। हेस में मैं सबसे पहले 2B पेंसिल के साथ ही स्ट्रोक्स को लगा रहा हूँ एंड एज के डायरेक्शन में मैं यहाँ पर शेडिंग को कर रहा हूँ, स्ट्रोक्स को दे रहा हूँ। जहाँ पर ज़्यादा डार्क है वहाँ पर मैं लेयर का यूज़ करूँ एंड हाइलाइट्स के पार्ट में मैं यहाँ पर शेडिंग लाइट हैंड के साथ कर रहा हूँ, जहाँ पर स्ट्रोक्स को छोड़ के दे रहा हूँ। स्ट्रोक्स को देने के बाद यहाँ पर अच्छे से ब्रश के साथ मैं यहाँ पर ब्लेंड कर दूंगा एंड आफ्टर ब्लेंडिंग मैं यहाँ पर 6B पेंसिल का यूज़ करूँगा डार्क हेयर्स को बनाने के लिए।
इनको भी अच्छे से ब्रश के साथ मैं यहाँ पर ब्लेंड कर दूंगा। एंड आफ्टर ब्लेंडिंग आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा डार्क हो चुके हैं हमारे हेयर्स। अभी इसमें मैं हाईलाइट्स करूँगा सेम वैसे पेंसिल इरेजर के साथ ही जैसे हमने फेस में दिया था, बट यहाँ पर मैं छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे हाईलाइट्स को देने के लिए वाइट जेल पेन का भी यूज़ करूँगा। एंड देखते रहना आप कैसे करता हूँ मैं। वाइट जेल पेन के साथ बिल्कुल ज़्यादा वाइट हो चुका है, उसको अच्छे से उसको थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर दूंगा ताकि अच्छे से स्मज हो जाएंगे हमारे हेयर्स में, ताकि अच्छे से वो हमारा ओरिजिनल सा इफेक्ट आएंगे हमारे हेयर्स में। सेम ऐसे बेड में भी थोड़े थोड़े हाईलाइट्स हैं तो उनको देने के लिए यहाँ पर मैं वाइट जेल पेन का ही यूज़ करूँगा। एंड इनको भी थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगा मैं ब्रश के साथ। अभी बाकी का बॉडी के पार्ट में सेम वैसे मैं HB पेंसिल का यूज़ करूँगा सबसे पहले फर्स्ट लेयर में, एंड बाद में उसमें 2B 3B जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं कर दूँगा शेडिंग को। तो फटाफट से मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड में पोर्ट्रेट के पीछे ये वाला पार्ट थोड़ा सा ब्लैक है तो मैं इसको बिल्कुल रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सेम वैसे ही बनाऊँगा जैसे हमारे रेफरेंस पिक्चर में। तो इस वाले पार्ट को मैं पूरा डार्क ब्लैक कर दूँगा। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ एंड उसके बाद उसमें मैं डार्क ग्रेड का यूज़ करूँगा डार्क करने के लिए। तो करता हूँ अच्छे से, सबसे पहले पोर्ट्रेट के सराउंडिंग में यहाँ पर थोड़ी सी शेडिंग को कर दूंगा ताकि हमारे पोर्ट्रेट के ऊपर पेंसिल की लाइंस ना आए या फिर हमारे पोर्ट्रेट के ऊपर शेडिंग ना हो। तो अच्छे से मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में कर देता हूँ शेडिंग को। यहाँ पर आप थोड़ा सा पेंसिल के ऊपर प्रेशर का यूज़ कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर हमें बिल्कुल डार्क ब्लैक ही करना है पार्ट को। तो हाँ गाइस, इस फिल्म में मैंने चारकोल का यूज़ तो नहीं किया, ग्रेफाइट के साथ ही मैंने सारी पोर्ट्रेट सारी ड्राइंग को कम्प्लीट कर दी है। तो बैकग्राउंड में शेडिंग को देने के बाद अच्छे से ब्रश के साथ ब्लेंड कर दूंगा एंड उसके बाद इसके ऊपर मैं फिर से डार्क लेयर को ऐड करूंगा एंड उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दूंगा। अभी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में पूरा अच्छे से डार्क हो चुका है। इस वाले पार्ट में भी थोड़ी सी शेडिंग है, उसको करने के लिए मैं यहाँ पर HB पेंसिल का यूज़ करूँगा एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगा स्पंज के साथ या फिर ब्रश के साथ। आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं या फिर आपके पास जो भी ब्लेंडिंग टूल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पोर्ट्रेट कंप्लीट होता है गाइस। वीडियो आपको कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होते हैं और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।